गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए क्लास में अपना सिलेबस देखिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए उर्दू में आपके 1 to 5 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने 1 आपको पार्ट 1 में करा दिया, 2 चैप्टर हमने आपको पार्ट 2 में करा दिया है, और 3 चैप्टर आपका पार्ट 3 में, और लास्ट हमारा रहा था पार्ट 4, जिसमें हमने आपको 4 चैप्टर कराया था। आज हम आपको 5 चैप्टर कराएंगे उर्दू में, ठीक है। क्लास 5th में आज हम आपको पार्ट 5 है ये हमारा, इसमें हम आपको 5 चैप्टर PA1 सिलेबस हमारा आज पार्ट 5 में कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी बुक खोलिए उर्दू की। ये आपकी उर्दू की बुक है अदबे उर्दू, इसे ओपन करिए। सबसे तो पहले इंडेक्स चेक करेंगे। देखिए 1 to 5 आपके PA1 सिलेबस में, दुआ पार्ट 1 में, आसमानी किताबें पार्ट 2 में, शहीद वतन अब्दुल हमीद पार्ट 3 में, हमारा मुल्क पार्ट 4 में। अब हम नात रसूल ये हम आपको पार्ट 5 में कराएंगे। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, PA1 सिलेबस कंप्लीट। पेज नंबर 20 पर आपको पार्ट 5 यानी नात रसूल सल्लम ये आपको मिल जाएगा। इसे खोल लीजिए। यही है आपका पेज नंबर 20, सबक नंबर 5, चैप्टर का नाम है नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द प्रेस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। इसमें हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो नज़्म है वो पढ़ेंगे। ये हमारा कौन सा पार्ट है, यहाँ मैं शो कर देती हूँ, पार्ट है हमारा 5। चलिए, सारी दुनिया का रहबर मदीने में है। क्या बोल रहे हैं ये, सारी दुनिया का रहबर मदीने में है। रहबर बोलते हैं रास्ता दिखाने वाले को, ठीक है, जो गाइड होता है आपका वो, उसको रास्ता। सारी दुनिया में जो भी आपको रास्ता, सही और गलत का रास्ता जो दिखाने वाले, वो कौन है, हमारे नबी। सारे नबियों का अफसर मदीने में है, यानी सारी दुनिया का रहबर मदीने में है, सारी दुनिया का रास्ता दिखाने वाला मदीने में है, सारे नबियों का अफसर मदीने में है। जो सारे नबी हैं उनका अफसर कौन है, अफसर बोलते हैं सबसे बड़ा जो होता है ऑफिसर उसे। फिर है ब्रांच, ब्रांच शाखा, बगदाद अजमेर करबल बना। करबल इराक को बोलते हैं, इराक देश है एक, जहाँ इमाम हसन हुसैन शहीद हुए थे, ठीक है। अहल सुन्नत का सेंटर मदीने में है। जो सेंटर है यानी असल दफ्तर जो है, अहल सुन्नत का सेंटर यानी जो सुन्नत का सेंटर कहाँ है, मदीने में है। एप्लीकेशन गुनहगार भेजे न क्यों, बख्शवाने का दफ्तर मदीने में है। एप्लीकेशन जो गुनहगार होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन भेजे ना क्यों यहाँ पर, बख्शवाने का दफ्तर तो यही है ना। ये किस लिए बोला है, मदीने के लिए बोला कि बख्शवाने का दफ्तर यही है। रोज़ बढ़ता है फिर भी तू घटता नहीं, रोज़ बढ़ता है फिर भी तू घटता नहीं, दोस्तों कितना डॉलर मदीने में है। यानी मदीने में रोज़ाना बढ़ता है सारा चीज़, सब चीज़ बढ़ती है, खाने से लेकर हर चीज़, फिर भी घटता नहीं है, और दोस्तों कितना डॉलर मदीने में। और सोचो कितना डॉलर होगा मदीने में, जिसके स्टॉक में है सभी नेमतें। यानी स्टॉक किसे बोलते हैं, ज़खीरे को, ठीक है, जिसके यानी ज़खीरे में, राशन में बहुत सी नेमतें हैं, नेमतों का वो डीलर मदीने में है। जो डीलर है वहाँ का, नेमत का डील करने, डीलर जो होते हैं देने वाले, वो कहाँ है, मदीने में। आशिकों पर किसी की हुकूमत नहीं, अपना जनरल गवर्नर मदीने में है। के आशिकों पर किसी की हुकूमत नहीं चलती है, क्योंकि उनका अपना जनरल जो है गवर्नर, अपना जनरल गवर्नर बोलते हैं, बड़ा अफसर कहाँ है, मदीने में है। ये किसने लिखी है आपके, नज़्म इनायत अल्लाह इनायत जमशेदपुरी ने, किसने, जमशेदपुरी ने, ठीक है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया है। ये आपके अल्फाज मैंने आपको याद करने हैं, वर्ड मीनिंग बोलता है ना। फिर यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, पार्ट हमारा चल रहा है 5।
देखिए, दर्जल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। सारी दुनिया का मदीने में है, बख्शवाने वाला सिफारिशी रहबर। सारी दुनिया का रहबर मदीने में है, तो रहबर थर्ड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। सेकंड है, रोज बढ़ता है फिर भी तो घट जाता है, नहीं घटता, खत्म नहीं होता। तो रोज बढ़ता है फिर भी नहीं घटता, तो सेकंड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। थर्ड है, जिसके स्टॉक में है सभी नेमतें, चीज़ें रहमतें, तो क्या आएगा? नेमतें। सारे नबियों का मदीने में है, सेंटर, रहबर, अफसर। सारे नबियों का क्या है? सारे नबियों का मदीने में है, अफसर। थर्ड ऑप्शन पर राइट कर देंगे। फिर हमारे दर्जल मिस्रों में खाली जगह भरिए, इसमें हमें खाली जगह भरनी है। फर्स्ट है, सारे नबियों का डैश मदीने में है, सारे नबियों का डैश यानी सारे नबियों का अफसर। ये खाली जगह आप चाहें तो बुक चैप्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सारे नबियों का अफसर मदीने में है, ठीक है। फिर सेकंड, अहल सुन्नत का डैश मदीने में है, क्या है? अहल सुन्नत का डैश मदीने में, तो अहल सुन्नत का सेंटर क्या आएगा? सेंटर। जिसके डैश में है कभी न सभी नेमतें, जिसके जिसके स्टॉक में है सभी नेमतें, तो क्या आएगा? स्टॉक। अपना जनरल डैश मदीने में है, यानी अपना जनरल गवर्नर। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर लिखा हुआ है, दर्जल मिसरे के सामने राइट, सही मिसरे के सामने आपको राइट करना है, गलत मिसरे के सामने रॉन्ग का निशान लगाना है। तो फर्स्ट है, सारी दुनिया का रहबर हर जगह है, यानी सारी दुनिया का रहबर हर जगह है। सही बोला है ना? सारी दुनिया का रहबर मदीने में है, तो ये था सार हर जगह नहीं, मदीने में, तो इसे ये रॉन्ग कर देंगे। फर्स्ट में आएगा रॉन्ग। फिर आगे देखते हैं, अहल सुन्नत व अल जमात का असल दफ्तर मदीने में है, तो ये आएगा राइट। प्लस थर्ड, उसके स्टॉक में है हर नेमतें, नहीं है स्टॉक में हर नेमतें, नहीं, रॉन्ग है। आशिकों पर सबकी हुकूमत है, रॉन्ग। ठीक है, अब है हमारा दर्जल सवालात को जवाब दीजिए, ये हम कट कर देंगे, नज़म के हम क्वेश्चन आंसर नहीं कराएंगे आज, ठीक है। फिर नीचे देखिए, दर्जल सही मिसरे मिलाकर शेर मुकम्मल कीजिए, सारी दुनिया का रहबर मदीने में है। फिर क्या आएगा? मैचिंग भी आपको बुक चैप्टर से मिल जाएगा। सारी दुनिया का रहबर मदीने में है, सारे नबियों का अफसर मदीने में, तो सारी दुनियों का सारी नबियों का अफसर मदीने में, तो फर्स्ट मिल जाएगा सेकंड से। फिर जिसके स्टॉक में है सभी नेमतें, नेमतों का वो डीलर मदीने में है, तो ये ऐसे मैच हो जाएगी। फिर आशिकों पर किसी की हुकूमत नहीं, अपना जनरल गवर्नर मदीने में है, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है, दर्जे अल्फाज में नून गुन्ना लगाइए, नबियों, सिर्फ नून गुन्ना लगाना है आपको, नबियों। देख लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, नबियों में नून गुन्ना से बोलते हैं, अफसरों सब में यही करना है आपको। अफसरों, नेमतों, क्यों? आशिकों, आशिको, ठीक है, ये हो गया नून गन्ना। ये लिखो, इस नज़म के अशआर पढ़कर बताइए कि ये नात या हिम या है ये दुआ, तो हम इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है, दर्जे अल्फाज के वाहिद अल्फाज लिखिए, जमा दी हुई है, वाहिद लिखना है हमें, यानी प्लूरल दिया हुआ है, सिंगुलर लिखना है। नेमतों का क्या हो जाएगा? नेमत। अंबिया का हो जाएगा नबी।
दफातर का हो जाएगा दफ्तर। दफ्तर आशिकों का हो जाएगा आशिक। हुकूमते का हो जाएगा हुकूमत। दोस्तों का हो जाएगा दोस्त। अफसरान का हो जाएगा अफसर। रहबरान का हो जाएगा रहबर। और डीलर्स का हो जाएगा डीलर। ठीक है, ये हो गया आपका जमा, यानी मैं जमा जो लिखे हुए थे उसके हमने वाइद लिख दिए। नेमतों का नेमत, अंबिया का नबी, दफातर का दफ्तर, आशिकों का आशिक, हुकूमते का हुकूमत, दोस्तों का दोस्त, अफसरान का अफसर, रहबरान का रहबर, डीलर्स का डीलर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉपी पर आपको सवाल जवाब कराए जाते थे तो उसमें हमने कराए नहीं है, तो आपको सवाल जवाब नहीं करने हैं। कॉपी पर कुछ नहीं करना है, बुक पर ही आपको फिल करना है। ये सिर्फ ऑप्शन भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी अपनी, राइट रॉन्ग भी आपको करनी है, मैचिंग भी इसमें ही रखनी है, और ये एक्सरसाइज जो बाकी है ये भी आपको इस पे ही रखनी है, बुक पर ही। कॉपी पर आपको कुछ नहीं करना है, बुक पर सब चीज़ फिल करनी है। सभी बच्चों को अपना वर्क कंप्लीट कर लें अपना, यहाँ आपका क्या हो जाता है, PA1 कंप्लीट हो जाता है। PA1 सिलेबस सब बच्चों का पार्ट 5 में कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे अपने वर्क करके, अपने काम कंप्लीट करके अपना PA1 सिलेबस की तैयारी करना शुरू कर दें। ठीक है, अगर मैं उम्मीद है कि हमने जो भी आपको पार्ट पहले करा चुके हैं, पार्ट 1 2 3 4, अगर आपने नहीं करे हैं किसी बच्चे ने, या फिर किसी ने कर लिए हैं, तो अपना वर्क पार्ट 5 देखकर अपना याद करना शुरू कर दें। अगर नहीं करे हैं तो सबसे पहले अपने पार्ट्स चेक करें, और पार्ट्स चेक करके अपने वीडियोस देखकर अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट करें। एक्सरसाइज सभी बच्चों को बुक पर रखनी है, और कॉपी पर एक सवाल जवाब करने हैं। सब बच्चों को डेट शो करनी है अपनी, जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। सब बच्चे अपना वर्क कंप्लीट कर लें अपना वीडियोज़ देख कर। थैंक यू सो मच।